भय की स्थिति का संबंध जो है लोगों के राइट टू फ्री एक्सप्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार भारत का संविधान देता है जी। लेकिन जब उस अभिव्यक्ति को करने के लिए स्टूडेंट निकलता है अपने कॉलेज के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसको राष्ट्रद्रोही बता देते हैं, उसको व्यवस्था विरोधी बता देते हैं, उसको रेस्टिगेट कर देते हैं, उस पर मुकदमे लगा देते हैं, उस इंस्टीट्यूशन से बाहर कर देते हैं। तो जबकि अभी रोमिला थापर जी बोल रही थी, ये जो कार्यक्रम है शैक्षणिक संस्थाओं पर जो हमला है जी, उसमें वो बोल रही थी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मोटे तौर पर तो यही है कि केवल लोगों को जानकारी देना नहीं है। जानकारी तो फिर व्हाट्सएप पर, फेसबुक भी बहुत दे रहा है, गूगल ही पूरा, फिर कोई स्कूल सब बंद कर दो, अकेले गूगल लोग खोल लें और सब पढ़ लें, उससे ज़्यादा जानकारी तो दुनिया में गूगल से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। लेकिन जो शिक्षा है वो लोगों को सवाल करना सिखाती है, उसे सवाल करना सिखाना चाहिए जी। लेकिन यहाँ पर जो पूरी स्थिति बनी है वो ये है कि शिक्षा के ऊपर आज़ादी के बाद से ही बहुत कम ध्यान दिया गया, विशेष तौर पर उच्च शिक्षा को लेकर के। ये है कि अब उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसका निजीकरण किया जा रहा है, मतलब जिसके पास में जितना अच्छा ज़्यादा पैसा होगा वो उतने अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर वो पढ़ेगा। JNU जैसे जो कुछ संस्थान हैं, IITs जैसे कुछ संस्थान हैं, मतलब जो पब्लिक सेक्टर के हैं, जो जनता के पैसे से चलते हैं, उनको जहाँ सस्ती शिक्षा मिल जाती है उसको बंद किया जा रहा है। अभी तो मैं देख रहा था मध्य प्रदेश में 46,000 स्कूलों को बंद करने की बात चल रही है जी। 1500 स्कूल तो अभी रिलायंस को मुंबई के अंदर दिए जा चुके हैं। पूरे देश के अंदर मतलब बंद करने का मसला है कि पहले सर्व शिक्षा अभियान के अंदर स्कूल खोले गए, हर मजरा टोला के अंदर होना चाहिए स्कूल, और अब ये कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत कम आते हैं और क्योंकि हम लोग जो है वो शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, उतने शिक्षक नहीं रख पा रहे हैं, तो जितने कम स्टूडेंट वाले जो हैं उनको हम बंद करने का काम करते हैं। इस तरीके की स्थिति पूरी बन रही है। फिर एक किस्म का एक ही विचार पूरा थोपने का काम चल रहा है, भगवाकरण का विचार, सांप्रदायिककरण का विचार, मतलब समाज के अंदर जहर फैलाने का विचार, जो चश्मा हमारे दिल्ली के शासकों के आँखों में चढ़ा हुआ है वो चश्मा है हिंदू मुसलमान का, वो चश्मा है अवर्ण और सवर्ण का। तो उसको कैसे नीचे तक उतारना है, शिक्षा के माध्यम से यही करना है कि लोगों को कोई मतलब नहीं है कि उन्हें रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा, सवाल ये है कि वो हिंदू हैं और वो सामने वाला मुसलमान है, सामने वाला मुसलमान अगर है तो उसने हमको ग़ुलाम रखा, उन्होंने हमारे साथ में जातियाँ की, आज मौका आया है कि उनके साथ में बदला लेना है, और भले ही उनके बच्चे भी भूखे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उनके बच्चे जो है वो बेरोज़गार हैं और हिंदुओं के बच्चे बेरोज़गार हैं तो मुसलमानों के बच्चे भी बेरोज़गार हैं, ये जो सवाल हैं, मतलब जो संवैधानिक हक और अधिकार थे। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप ये देखेंगे कि देश के अंदर मतलब धर्म ग्रंथ अगर घर घर में पहुँच गए तो भारत का संविधान क्यों नहीं पहुँचा। भारत का संविधान जो है वो तो 1.5 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी के बाद बना था, वो संविधान तो हर घर में, हर जो बालिग था व्यक्ति, जैसे वोटर का उसका एक कार्ड बन गया वैसे ही पहुंचना चाहिए था। नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा? क्यों? क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट दिए हुए थे, उसमें बात की गई थी शिक्षा की, उसमें बात की गई थी रोज़गार की, उसमें बात की गई थी स्वास्थ्य की, मतलब संविधान अगर आदमी पढ़ लेता समझ लेता तो मतलब जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो संगठित हो संघर्ष करो, तो फिर उस दिशा के अंदर आगे बढ़ जाता। तो ये जो एक उसको कुंठित करने का प्रयास है, तो मतलब अब ये है कि जैसे आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, PhD करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अगर 2 लाख, आपने देखा होगा कि अभी 1 लाख रेलवे के अंदर पद निकले और 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। अभी जो पद निकले मतलब हाँ फोर्थ है ना, उसके अंदर PhD भी मतलब हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया। तो अगर कुल मिला करके PhD करने के बाद में एक व्यक्ति को चपरासी बनना है या एक व्यक्ति को कोई एडहॉक की कोई नौकरी छोटी मोटी करनी है तो उसकी क्या उसमें रुचि हो जाने वाली है। तो अब तो केवल ये बताया जा रहा है कि भाई हमने आपके लिए स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, स्टैंडअप इंडिया कर दिया है, आप 10वीं पास करो, 11वीं पास करो और आप कहीं ना कहीं पर आप नौकरी के अंदर लग जाओ।
जाओ। तो जो एक ज्ञान की परंपरा है भारत की, उसको बाधित करने का काम हो रहा है। जो काम पहले चला था देश के अंदर कि ऐसे सार्वजनिक संस्थान हों, मतलब पब्लिक फंडेड हों, जहां पर कि निःशुल्क शिक्षा मिले, बहुत कम पैसे पे क्वालिटी एजुकेशन मिले। आपको याद है हमारे यहाँ पर, मतलब पूरे देश के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, उसके अंदर 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की फीस के ऊपर लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। और आज जो है 10 लाख और 20 लाख के पहले आप जो है डॉक्टर इंजीनियर की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ प्राइवेटाइज किया जा रहा है, मतलब सब कुछ क्लासेस के लिए किया जा रहा है, मतलब सब कुछ अमीरों के लिए किया जा रहा है, मतलब लोगों को वंचित रखने का काम किया जा रहा है। लोगों के जो टैक्स के पैसा है वो लेकर के लोग भाग रहे हैं। नीरव मोदी चला गया, ललित मोदी चला गया, मतलब ये सब पूरा लूटपाट के अंदर जा रहा है। लोगों की शिक्षा के अंदर जो लगना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं वो शिक्षण संस्थानों के ऊपर उनकी जो लोकतांत्रिक संरचना है, उनका जो वास्तव में अपनी स्वायत्तता थी कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये सब कुछ ख़त्म करके स्वायत्तता का मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि पूंजीपति एक शिक्षण संस्थान से ज़्यादा मुनाफा चलाने के लिए वो अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाता है। और यही आप देखेंगे पूरे देश के अंदर इस समय, मतलब हज़ारों इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं और लाखों सीटें खाली पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि 80% इंजीनियर इस पूरे देश में जो निकल रहा है वो बेरोजगार है। तो इंस्टीट्यूट तो खोल लिया, जिसके पास में पैसा था, 2 नंबर का पैसा था, उसने ला करके जो है लगाया लाखों करोड़ों रुपया, खोल लिया। अब उसके पास में स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट पढ़ भी लेता है, मतलब कहीं का कोई बाप ने पैसा कमाया या ज़मीन बेच करके बच्चा पढ़ा लिया, तो उसको नौकरी नहीं है। तो इस देश के अंदर ये जो पूरी प्लानिंग की भी बात है, ये प्लानिंग का सवाल भी तो पूरा एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर जी सर, देखा गया है कि जो ये डायरेक्ट हिट ना करके सुप्रीम कोर्ट का आड़ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जैसे अभी 5 तारीख का लेटर था जो प्रोफेसरों को दिया गया, अगर आपका आप प्रमोशन होना है तो सब्जेक्ट वाइज होगा, और जैसे कि आप संस्कृत के प्रोफेसर हैं तो आपका अगर संस्कृत में वैकेंसी होगी तो संस्कृत में ही आपकी प्रमोशन होगी, जो रोस्टर सिस्टम जो UGC ने दिया है। देखिए UGC एक समय के अंदर उसने बहुत अच्छा काम किया। आज UGC का इस्तेमाल केवल जो एजेंडा है, मोदी जी का अपना एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, उसको थोपने के लिए किया जा रहा है। जिसके अंदर मूल बात यह है कि कम से कम वैकेंसीज निकाली जाएंगी, अपने लोगों को ही पदोन्नति दी जाएगी, अपने विचार को ही आगे बढ़ाया जाएगा। अब इस देश के अंदर ये विविध संस्कृतियों वाला देश है, ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, और ये इसकी जो पिक्युलरिटी है या जो खासियत है इस हिंदुस्तान की, वो यही है कि ये विविधता वाला देश है। लेकिन उस विविधता को ख़त्म करके अपने लोगों को पिक करके अपनी विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना, और धीरे धीरे आपको एक एक इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना, हर लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना, जुडिशरी के अंदर भी अगर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है कि 4 चीफ्स जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको आकर के बोलना पड़ता है कि खतरे के अंदर है लोकतंत्र, और शांति भूषण जी जैसे व्यक्ति को कहना पड़ता है कि भाई कम से कम इतना तो हो जाए कि भाई मतलब CGI के अलावा भी जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे भी पूछ लिया जाए कि कौन सा केस किसके अंदर जाएगा। मतलब एक तरीके से जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सेफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसी तरीके से जुडिशरी को भी करने की दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है ये देश। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी है, आज ही अखबारों में आया है, आप लोग निकाल के लाए हैं कि सबसे पैसे वाली पार्टी है, 1 साल में 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा करने वाली ये पार्टी है। तो ये पैसा कोई RSS का कार्यकर्ता तो 1-1 रुपया इकट्ठा नहीं कर रहा है, भाजपा का तो नहीं इकट्ठा कर रहा है, ये तो कॉरपोरेट का पूरा पैसा है। और वो भी अब जो उन्होंने सिस्टम जिस तरीके का बनाया है फंडिंग का, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग का, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, उसके अंदर तो आप पता भी नहीं लगा सकते
भाई आरटीआई के अंदर क्यों नहीं आएंगी पॉलिटिकल पार्टी, क्यों 1000 करोड़ रुपए किसने दिया ये क्यों नहीं मालूम होना चाहिए किसी भी पार्टी को, और कौन कौन दे रहा है, कौन कौन इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद रहा है ये क्यों नहीं मालूम होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अरबपतियों की पार्टी अरबपतियों के लिए ही काम कर रही है और अरबपतियों को ही बढ़ावा देने का काम कर रही है, और गरीब आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, ये पूरी परिस्थिति आज देश के अंदर बनी हुई है। सर अगर कोई भी अगर अपनी मांग को रखता है या वो धरने प्रदर्शन करता है तो उनको बेखूबी से पीटा जाता है, घरों में से बाहर निकाल निकाल के टारगेट बना के मारा जाता है, क्योंकि 2 तारीख का जो एक पूरा भारत बंद था और वो कामयाब हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो ये प्रशासन है वो शासन है वो जानबूझ के घरों से निकाल निकाल के, मतलब एक तरफ आप मारोगे भी पीटोगे भी और रोने भी नहीं दोगे। देखिए पूरा मसला ये है कि जैसे हिंदू मुसलमान में इस देश को बहुत नीचे तक बांटने की कोशिश, तो वैसे जब भारत का विभाजन हुआ तभी हिंदू मुसलमान के बीच में एक लाइन खिंच गई, लेकिन उस लाइन खींचने वालों में हमको ये याद रखना ज़रूरी है कि जिन लोगों ने मोहम्मद जिन्ना को नहीं माना, जिन्होंने गांधी को माना, मौलाना आज़ाद को माना, जिन्होंने कि अब्दुल गफ्फार खान साहब को माना, है ना, वो लोग हिंदुस्तान के अंदर रह गए और आज उनकी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के ऊपर पूरा सवाल खड़ा करना और उनसे बदले की कार्रवाई करना और नीचे तक वो ध्रुवीकरण बना देना, तो जो विभाजन के समय का जो ध्रुवीकरण था, है ना, वो आज फिर से बनाने की कोशिश वो तो एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ कोशिश है जातियों के बीच में भेद पैदा करने की। और अब उनको समझ में आ गया है कि अब कि दलितों को बरगला के नहीं रखा जा सकता, आदिवासियों को बरगला के नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आखिरकार इस देश के अंदर जो लोग चुनौती दे रहे हैं सिस्टम को, जिन्हें लोग माओवादी कहते हैं, वो कहाँ पर हैं, वो आदिवासी इलाकों में हैं, वो आदिवासी लोग हैं। इस देश के अंदर एक जो समूह सबसे ज़्यादा जागरूक हुआ है मतलब बाबा साहब का नाम लेकर के, वो दलित समूह है। तो उनको समझ में आता है कि इनको कुछ समय तो हम बरगला सकते हैं, कुछ समय तो इनको जो है शिवलिंग बांट करके, बजरंग बली की मूर्ति बांट करके, कुछ समय तो इनको बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, लेकिन ये लोग अपने संसाधनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, और इसलिए इनको अब अगर इनको इनसे अगर कोई खतरा पैदा हो रहा है तो फिर अपर कास्ट को पूरी तरीके से यूनाइट करना है, और इस तरीके इसलिए संशोधन वाले एक प्रयास होता है। आखिर सरकार अगर चाहती तो क्यों नहीं उसने जो बाद में एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले उसने एफिडेविट देने का काम क्यों नहीं किया, उसे कहना चाहिए था कि किसी भी तरीके से भारत सरकार, हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी SC ST के जो बना हुआ है अत्याचार निवारण अधिनियम जो बना हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि उसका कुछ दुरुपयोग हुआ होगा, ये वैसी बात है कि जैसे दहेज को लेकर के जो कानून बना है उसका भी दुरुपयोग हुआ है, लेकिन 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 समझिए कि 5 लाख लड़कियों को अगर जिंदा जला दिया जाता है इस कानून बनने के बाद भी, तो अगर वो कानून नहीं बना होता, आज तो हर घर में जब लड़की शादी होकर के जाती है 7 साल तक सबको मालूम है, लड़की के साथ में अगर जरा भी हरकत की लड़की ने लिख करके अगर थाने में दे दिया तो पति भी जाएगा, उसका भाई भी जाएगा, उसके माँ बाप भी जाएंगे, कम से कम 10 लोग जाएंगे। इतने डर के बाद में भी महिलाओं का प्रताड़ना कहाँ पहुँची, इसके डरने के बाद भी महिलाओं को जिंदा जलाने का काम कितना चला। इसी तरीके से SC ST एट्रोसिटीज़ की बात है कि अगर एक ये एक्ट था तो कहीं ना कहीं पर लोगों के मन में एक डर था तो वो घबराते थे, और जो ही आपने ये कर दिया कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, है ना, जांच की जाएगी, जांच का मतलब क्या हुआ, जांच का मतलब सीधा सीधा भ्रष्टाचार, सीधा सीधा थैलाशाही को चलाने की बात करना, सीधे सीधे मतलब जिसके पास में पैसा होगा, है ना, वो अपना मैनेज करेगा। कुल मिलाकर के ये तो पूरे सिस्टम को करप्ट करने की बात है, लेकिन इसके पीछे जो मंशा है वो जिसे मतलब दलित जो यूनाइटेड दलित कहते हैं मनुवाद की जो बात है, उस मनुवाद को आगे बढ़ाने की ये बात है। मसला ये नहीं है कि कोई एक दलित है और कोई एक ब्राह्मण है या ठाकुर है या बनिया है, मसला वो नहीं है, मसला उस नियत का है कि जो नियत सब कुछ मोनोपलाइज करना चाहती है, जो नियत ये मानती है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बुद्धि से श्रेष्ठ हैं, हम संसाधन से श्रेष्ठ हैं, हम शिक्षा में श्रेष्ठ हैं, मतलब हम ही समाज को चलाएंगे, हमारे लोग बाकी गुलामी करने का काम करेंगे। तो अब अगर दलित और आदिवासी अगर गुलाम नहीं रहना चाहता है और वो अगर एसर्ट कर रहा है
और जो कानून उसे एसेट करने में मदद कर रहे हैं, आप जानबूझ करके उन कानूनों को आप ढीला करना चाहते हैं। और ये खुशी की बात है कि लोग इकट्ठे हुए, लोग खड़े हुए, लोगों ने मुकाबला के लिए आए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सरकार से हमारी मांग है कि जो लोगों पे केस दर्ज हुए पूरे देश के अंदर, 11 जो है वो लोग शहीद हुए हैं जी, और वो शहीद, वो सब शहीदों को 50-50 लाख रुपया दिया जाए, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि ये जो इसके साथ में जो मुकदमे लगे हैं, हजारों लाखों जो मुकदमे लग गए हैं देश भर में, ये सब मुकदमे वापस लिए जाएं, समरसता का वातावरण फिर से लाने के लिए सरकारों को, स्वयं मोदी जी को है ना, ये समझना चाहिए इस बात को कि मतलब मोदी जी नहीं समझेंगे तो बेभाव जाने वाले हैं। जैसे फेक न्यूज़ को लेके उन्होंने समझ लिया, फेक न्यूज़ को लेकर के सरकार ने फैसला किया कि फेक न्यूज़ अगर कोई पत्रकार चलाएगा उसका एक्रेडिशन जाएगा। मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो मतलब केवल मतलब टूथलेस हो जाएगी और ये चलेगा। तो अब ये बात, जब सोशल मीडिया के अंदर उसका विरोध शुरू हुआ, एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था, केवल सोशल मीडिया में 56 इंच का सीना जो है वो 5 इंच के ऊपर आ गया है ना, और उसको विड्रॉ करना पड़ा। तो मोदी जी को हम माफी मांगी, तो ये समझना चाहिए कि भाई आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, SC ST के साथ में छेड़खानी करना बंद करो और किसानों के साथ में छेड़खानी करना बंद करो। आज इस बात की हमको खुशी है कि हम लोग जो प्रयास के अंदर लगे थे अपना किसानों के आंदोलन को लेकर के, तो आज अगर हमने कर्जा मुक्ति को लेकर के, किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति और लागत से 1.5 गुना दाम को लेकर के जो 2 बिल तैयार किए, संपूर्ण विपक्ष ने उसका समर्थन किया है। उसी तरीके से SC ST एक्ट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के संपूर्ण विपक्ष खड़ा है। देश के अंदर एक ग्रैंड अलायंस आज इन सांप्रदायिक और कॉरपोरेट शक्तियों के खिलाफ में बन रहा है। ये स्वागत योग्य बात है और मुझे लगता है कि इससे नतीजे मिलेंगे और जो न्याय की ललक है लोगों की वो ज़रूर पूरी होगी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर।